जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गोधा कैपकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसके बारे में पहले भी मैंने बात किया है, मैंने अपने चैनल पर इसके ऊपर वीडियो बनाया है और आपको तब मैंने अपडेट दिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को आप विचार कीजिए, लंबी अवधि का ये घोड़ा है। लेकिन जैसे आपको पता होगा अभी स्टॉक रेंज बाउंड में चल रहा था, मैं आगे चार्ट पर दिखाऊंगा। जैसे इस स्टॉक ने रेंज बाउंड से बाहर निकला, इसका प्राइस लोगों ने यहीं पे एकदम एंट्री ले लिया। अब जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए फंस गए हैं, क्योंकि इसका प्राइस फिर से घूम के इसी रेंज में वापस आ रहा है, तो उनके लिए चिंता की तो बात है, लेकिन उतनी भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि इस चिंता को मैं इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू से शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट को इस वीडियो में समझते हुए और मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो यदि सबसे पहले हम लोग गोधा कैपकॉन के काम को समझे, कंपनी काम क्या करती है, तो आपको बताऊँ ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है? कंडक्टर्स एंड वायर्स की, जो बिजली के लिए जरूरी चीजें होती है, तार वगैरह बनाना, कंडक्टर्स बनाना, वो ये कंपनी काम करती है। तो एक यूनिक तरीके की कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड, हालांकि और भी नामी ग्रामी कंपनियां हैं जो बिजली से संबंधित काम को अंजाम देते हैं और वो शेयर मार्केट में लिस्टेड, लेकिन एक छोटी सी कंपनी है और हमें छोटी सी कंपनी को ग्रो होने के चूंकि चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें छोटी कंपनियों पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो यदि सिर्फ 65 पैसे इसका प्राइस चला है और सही जगह देख कर पैसा लगाते हैं और समय दे दे, तो आपका पैसा समय के साथ इस स्टॉक में बनेगा, लेकिन जरूरी है उसमें समय देना। आप बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में देखिए शेयर का प्राइस लगातार ऐसे ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में गिरावट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर, धीरे धीरे कर करके ये प्राइस ऊपर जाता है, तो ये बात आपको समझना होगा। तो काम तो काफी यूनिक है इस कंपनी का। मार्केट कैप देखेंगे तकरीबन 43-44 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, ठीक है। पी जो पीने स्टॉक होते हैं ना, उनके पी का पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग चार्ट पर लेवल देखते हैं कि कहाँ पे सही लेवल है जहाँ पे इस कंपनी की शेयर प्राइस को उठाया जा सके, या बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। शेयर प्राइस जो है इसके बुक वैल्यू से भी कम है, ये भी एक चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी या माइनस में, ये माइनस में नहीं होना चाहिए था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है और जो शेयर प्राइस है, ये तो जैसमिन बताया कि समय के साथ जब कंपनी ग्रो करेगी तो ये दोनों ही चीजें बढ़ जाएंगी। अब सीधे चार्ट पर चलते हैं, जहाँ पर समझते हैं कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक साल के चार्ट पर आ गए, और एक साल के चार्ट पर ध्यान से समझिए, ये जो लेवल इसके लिए 60 पैसा का लेवल और 80 पैसा का लेवल, इसको आप ध्यान से समझिए। ये 60 पैसा और 80 पैसा का लेवल इसके लिए एक कह सकते हैं रेंज बाउंड की तरह था, यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक एक खास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट कर रहा होता है, रेंज बाउंड में उसका प्राइस फंसा हुआ होता है, तो उससे जब ऊपर निकलता है प्राइस, सामान्यतः तो ऊपर ही निकलता है, ऊपर निकला भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था 1 रुपए के आसपास, और 1 रुपए का लेवल तो साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है, तो एक तो साइकोलॉजिकल नंबर होने की वजह से और एक बड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर होने की वजह से प्राइस इस लेवल को पार नहीं कर पाया। हालांकि इस रेंज बाउंड से बाहर जरूर निकला, लेकिन 1 रुपए के लेवल को पार नहीं कर पाया, और फिर चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था तो प्रॉफिट बुकिंग और फिर से प्राइस इसी रेंज में आपको आते हुए दिखने लगा। तो जो लोग यहाँ पे इसमें पैसा लगाए थे इस रेंज के ऊपर निकलने के समय, वो अभी फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे। हालांकि चिंता की बात नहीं, देखिए फिर से प्राइस इसी रेंज में आके और इसी रेंज में आके अपना समय बिता रहा है, तो फिर जब इसमें से बाहर निकलेगा, जब भी निकले, तो ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, और इस बार जब ऊपर जाएगा तो 1 रुपए के लेवल को इजीली ब्रेक कर देगा, क्योंकि सामान्यतः तो 2-3 बार में रेजिस्टेंस को, कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस हो, उसको प्राइस निकाल ही देता है। तो आपका यदि इन्वेस्टमेंट इसमें है तो आप इसमें समय दीजिए, बने रहिए, और देखिए बेच के निकलना चाहते तो कभी भी निकल सकते हो, तो आपके हाथ में। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कोई थीटा डिके तो हो नहीं रहा है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को इसमें बाई करके बैठे हैं और आपको थीटा डिके होने की वजह से लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। आराम से बने रहिए, प्राइस रेंज बाउंड में है, इससे इस लेवल के नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे 60 पैसा के नीचे, तो आप आराम से 60 पैसा और 80 पैसा के बीच में इसका प्राइस अभी झूलते रहेगा, इसी के बीच में बने रहो। जैसे प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, या लंबी अवधि के निवेशक है तो इसमें बने रह सकते हैं। बाकी यदि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 70 पैसा के आसपास इस स्टॉक में अपर सर्किट भी लग सकता है, और 65 पैसा के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है, तो थोड़ा सा प्राइस और बढ़ेगा तो इस स्टॉक में अपर सर्किट लग जाएगा, और जैसे अपर सर्किट आएगा तो आपको पता है कि स्टॉक का प्राइस भी फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और इसका प्राइस आपको रॉकेट बनते हुए देख सकता है, और इसके चांसेस भी ज्यादा है इसमें अपर सर्किट लगने की, क्योंकि यहाँ पे जब आप वॉल्यूम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिल रही है। तकरीबन 1-1 दिनों में 3-3 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पिछले दिनों 2 करोड़ का था, 2-2 करोड़, पहले 1 सप्ताह में 2-2 करोड़ और 1-1 करोड़ का होता था, 1-1 दिनों में 3-3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट होने लगा है। मतलब ये चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर गया तो जैसे मैंने बताया 70 पैसा के आसपास इसमें आपको अपर सर्किट लग सकता है, तो आप इसमें समय देंगे, देखिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बाकी करना नहीं करना हो तो आपके हाथ में, मैं बस अपना पॉइंट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, यदि पॉइंट से सहमत है तो इस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।